हेलो फ्रेंड्स, दिवाली या दीपावली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। ये अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाती है एंड एवरी ईयर इट कम्स इन ऑल विद इट्स साउंड एंड स्पार्कल। आजकल NBT ने बहुत सख्त नियम बना दिए हैं पटाखे जलाने पर इसके बावजूद भी बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी इसे चलाने में खूब इंजॉय करते हैं। तो आज की वीडियो में वील सी द नेम्स ऑफ क्रैकर्स इन इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज दिया। दिए को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्दन लैम्प। नेक्स्ट इज पटाखे। हम सब जानते हैं पटाखों को इंग्लिश में हम क्रैकर्स बोलते हैं या फिर फायरवर्क्स बोलते हैं। अगला है चरखी। चरखी को हम इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी स्पार्क्स, ग्राउंड स्पिनर या फिर ग्राउंड व्हील्स। अगला है अनार। अनार को इंग्लिश में बोला जाता है फाउंटेन क्रैकर्स या फिर फ्लावर पॉट्स। नेक्स्ट इज फुलझड़ी, जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसे चलाने में और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्कलर्स या फिर स्पार्कल्स। अब जिस तरीके के इसमें स्पार्कल्स निकलते हैं, जैसे कि अगर गोल्डन स्पार्कल्स निकले तो इसे हम बोलते हैं गोल्डन स्पार्कलर्स या फिर सिल्वर स्पार्कलर्स या फिर कलर्ड स्पार्कलर्स। नेक्स्ट इज मुर्गा छाप पटाखे। मुर्गा छाप पटाखे वो छोटे छोटे पटाखे होते हैं जिन्हें हम बचपन में बहुत चलाया करते थे, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पी क्रैकर्स। अगला है आलू बम, जो कि एक फॉयल में रैप्ड होता है और इसे हम बोलते हैं बैस बॉम्ब या फिर हाइड्रो बॉम्ब। नेक्स्ट इज सांप। सांप जो बच्चे बहुत चलाते हैं और इसे हम बोलते हैं सर्पेंट एग्स। अगला है आकाश गंगा, जो कि आसमान में जाके बहुत कलरफुल इफेक्ट देता है और इसे इंग्लिश में बोला जाता है एरियल कॉमेट्स। फिर आ गया रंगीन माचिस, इसे बोलते हैं कलरफुल मैचेस। अगला है रॉकेट पटाखा। रॉकेट पटाखा को इंग्लिश में बोलते हैं रॉकेट बॉम्ब। नेक्स्ट इज लड़ी, जो कि 500, 1000 या 5000 पटाखों से बनी होती है और इसे बोलते हैं गार्लैंड या कोर्सा गार्लैंड। अगला है सुतली बम, जिसपे एक जूट लिपटी होती है ग्रीन कलर की और इसे हम बोलते हैं जूट ट्वाइन बॉम्ब। अगला है चिटपटी या रील, जो हम बंदूक में डाल के चलाते हैं और इसे बोलते हैं रोल कैप्स या पॉपिंग स्ट्रिप्स। नेक्स्ट इज पेंसिल फुलझड़ी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है पेंसिल क्रैकर। अगला है हंटर, इसे इंग्लिश में हंटर ही बोला जाता है। अगला है प्रदूषण रहित पटाखे, दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली पटाखे, इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन क्रैकर्स। So that was it friends, and wishing you a very happy and prosperous Diwali. If you liked the video and learned something new from it, please hit the like, share and subscribe button down below. Thank you.